हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज की क्लास में हम लोग लैम्डा म्यू प्रमेय लैम्डा म्यू थ्योरम पढ़ेंगे। यदि दो सदिश लैम्डा ओए और म्यू ओबी का परिणामी सदिश हमें ज्ञात करना हो तो उसका मान लैम्डा प्लस म्यू ओजी होगा, जहां जी सरल रेखा ए बी को म्यू इज टू लैम्डा के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। जी ए बी को लैम्डा इज टू म्यू के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। बच्चों इसका प्रूफ देखिए। माना रेखाखंड ओ ए तथा ओ बी के अनुदिश बिंदु ओ पर दो सदिश लैम्डा ओ ए तथा म्यू बी कार्यरत हैं। तो बच्चों आप सदिश त्रिभुज का योग नियम पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार लैम्डा ओ ए ओ ए की दिशा में जो वेक्टर है उसका मान होगा लैम्डा इंटू ओ जी प्लस जी ए वेक्टर। लैम्डा ओ जी प्लस जी ए वेक्टर, या इसको लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू ओ जी वेक्टर प्लस लैम्डा जी ए वेक्टर। इसी प्रकार म्यू ओ बी वेक्टर बराबर म्यू ओ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू ओ जी वेक्टर प्लस म्यू जी बी वेक्टर, यह भी सदिश त्रिभुज के योग नियम द्वारा होगा। अब बच्चों समीकरण एक और दो को जोड़ने पर क्या आएगा? लैम्डा ओ ए वेक्टर प्लस म्यू ओ बी वेक्टर बराबर लैम्डा ओ जी वेक्टर प्लस लैम्डा जी ए वेक्टर प्लस म्यू ओ जी वेक्टर प्लस म्यू जी बी वेक्टर। इसमें लैम्डा ओ जी वेक्टर प्लस म्यू ओ जी वेक्टर को एक साथ लिखेंगे प्लस लैम्डा जी ए वेक्टर प्लस म्यू जी बी वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ जी वेक्टर प्लस लैम्डा जी ए वेक्टर प्लस म्यू जी बी वेक्टर। यह हो जाएगा हमारा समीकरण तीन। अब बच्चों ध्यान दीजिए, चूंकि जी बिंदु रेखाखंड ए बी को लैम्डा इज टू म्यू के अनुपात में विभक्त करता है, अतः फिगर के अनुसार ए जी इज टू जी बी बराबर होगा म्यू इज टू लैम्डा। ए जी इज टू जी बी बराबर म्यू इज टू लैम्डा। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं लैम्डा ए जी बराबर म्यू जी बी। बच्चों क्योंकि दोनों के परिमाण एक जैसे हैं बराबर हैं तथा दिशा भी समान है, अतः लैम्डा ए जी वेक्टर बराबर म्यू जी बी वेक्टर होगा। ए जी की दिशा परिवर्तित अगर हम करते हैं तो इसका मान हो जाएगा माइनस जी ए वेक्टर बराबर म्यू जी बी वेक्टर, या लैम्डा जी ए वेक्टर प्लस म्यू जी बी वेक्टर बराबर जीरो वेक्टर। इस मान को समीकरण तीन में रखने पर लैम्डा जी ए वेक्टर प्लस म्यू जी बी वेक्टर का मान रखने पर कितना रखेंगे? जीरो वेक्टर। तो हमारा मान आएगा लैम्डा ओ ए वेक्टर प्लस म्यू ओ बी वेक्टर बराबर लैम्डा प्लस म्यू ओ जी वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर। अतः लैम्डा ओ ए वेक्टर प्लस म्यू ओ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस म्यू ओ जी वेक्टर। इसे ही लैम्डा म्यू प्रमेय कहा जाता है। बच्चों आइए एक प्रश्न करते हैं। यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण P पर मिलते हैं, O कोई बिंदु है, तो सिद्ध करना है ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर। ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर प्लस ओ डी वैक्टर बराबर 4 इंटू ओ पी वैक्टर। चलिए ध्यान दीजिए, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अतः मध्य बिंदु का स्थिति सदिश मध्य बिंदु हो गया P,
पी का स्थिति सदिश लिखने पर किसका मध्य बिंदु है? एसी का मध्य बिंदु पी है अगर, तो ओपी वेक्टर मध्य बिंदु का स्थिति सदिश बराबर हो जाएगा ओए वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर का आधा, यानी ओए वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर अपॉन टू इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। इसी प्रकार बीडी का मध्य बिंदु भी पी है, तो ओपी वेक्टर का मान इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ओबी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर अपॉन टू इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, यह भी मध्य बिंदु का स्थिति सदिश है। अतः ओबी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर बराबर हो जाएगा टू इंटू ओपी वेक्टर। अब समीकरण एक और दो को जोड़ने पर क्या आएगा? ओए वेक्टर प्लस ओबी वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर प्लस ओडी वेक्टर बराबर फोर ओपी वेक्टर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।